Good morning. Once again, we are in this series of thought of the day. महान विचारों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है. तो इसको देखते हैं कि आज का विचार क्या है. Thought of the day is, when you have control over your thoughts, you have control over your life. इसका हिंदी मतलब है, जब आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है, तो आपके जीवन पर आपका नियंत्रण है. This line means, this thought says, इस thought का, इस महान विचार का अर्थ यह है कि जब आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है. मतलब क्या है इसका, कि हम जो भी पहले सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन हो जाता है. ये सोच क्या है, तो ये कंट्रोलिंग पावर है, नियंत्रण है, यह चालक है. विचार हमारा पायलट है. ये विचार ये चालन करता है हमारे पूरे जीवन का. तो अगर हमारी सोच सही होगी, अगर उस पर हमारा नियंत्रण होगा, तो निश्चित रूप से हम जहाँ भी चाहेंगे वो अपनी गाड़ी को वहाँ ले जाएंगे. लेकिन अगर हमारी सोच में कमी होगी, अगर हमारा नियंत्रण उस पर नहीं होगा, अगर जो चालक होगा वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, वश में नहीं होगा, तो वह गाड़ी को वहाँ वहाँ ले जाएगा जहाँ उसको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, या जहाँ वह जाए उससे उसे नुकसान हो जाए, वह गलत रास्ते पर चला जाए, वह गड्ढे में गाड़ी गिर जाती है अगर, तो ये माना जाएगा कि चालक ने सही ढंग से गाड़ी का संचालन नहीं किया. तो यही बात है कि अपनी सोच पर नियंत्रण करना होगा. आप जो भी चाहते हैं उसके अनुसार अपने मन को कंट्रोल करना होगा. किसी ने बहुत पहले हिंदी साहित्य में कहा था कि मन मतंग ज्ञान अंकुश. मन क्या है, तो मतंग है. मतंग मतलब पागल. हाथी जब हो जाता है, हाथी पागल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मतंग हो गया वो. तो ये मन क्या है व्यक्ति का, वह मतंग है, वह पागल हाथी के समान है. लेकिन जो महावत होता है अंकुश लेकर के, उस हाथी को वह नियंत्रण में करता है. तो यहाँ पर वही है कि ज्ञान, ज्ञान जो जो नॉलेज है व्यक्ति का, ज्ञान, उस ज्ञान के आधार पर, जानकारी के आधार पर वह क्या करता है, कि उसे नियंत्रित करता है. तो ज्ञान है अंकुश, वह व्यक्ति को नियंत्रित करता है. और आपको, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका मन, तो आपका मन इधर उधर भटकता है, अपने उद्देश्यों को भूल जाता है, वह दुनिया की चकाचौंध में भटकने लगता है. चकाचौंध जो है, आकर्षण जो है दुनिया का, ये भोग विलास की प्रवृत्ति, ग्लैमर की तरफ भागने की प्रवृत्ति, ये व्यक्ति को अपने उद्देश्य से भटकाती है. ये माया का जाल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, यह मोह माया का बंधन, यह व्यक्ति को डाइवर्ट करता है, अपने रास्ते से इधर उधर ले जाता है. तो हमें क्या चाहिए, कि अपनी सोच को सही दिशा में ले जाने की ज़रूरत है, तभी हमारा जीवन वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं. तो आपको ये बात हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए कि जब आपकी सोच पर आपका नियंत्रण है, अर्थात आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी आपके मन के हिसाब से संचालित होगी. आप जो भी चाहेंगे उसे प्राप्त करेंगे. सिर्फ ज़रूरत है कि अपने मन को नियंत्रित करें, वश में करें. इसीलिए तो योगा अभ्यास लोग करते हैं, लोग ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, ताकि उनको अपने मन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो. नियंत्रण नहीं होगा तो आदमी पागल हाथी की तरह इधर उधर भागता रहता है. तो आपको अपने उद्देश्य से, जो आपने जीवन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उससे अपने आप को जोड़ के रखना है. तो उसको जोड़ के रखने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को नियंत्रित करें और मन को अपने उद्देश्य से जोड़ें,
उसको उसमें लगाएं, नहीं तो ये मन आपको क्या क्या करने के लिए कहेगा आप सोच नहीं सकते। ये मन बैठा रहिए, आप रहेंगे घर में और कहाँ कहाँ घूम के चले आइएगा मन के संसार में। तो आपको मन को नियंत्रित करना है, अगर अपने जीवन को नियंत्रित करना है तो जीवन पर कंट्रोल होगा तब जब आपको अपने मन पर कंट्रोल होगा। तो ये आपका विचार, ये आज का विचार आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ कि इन विचारों की महानता से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो आपका जीवन आज का दिन मंगलमय हो। Have a nice day. Thank you for viewing.